इंटीरियर रिलेशन चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट r बी अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाय a कोमा b इज रिलेटेड टू c कोमा d आई इंप्लाइज दैट ad इक्वल टू bc रिलेशन है। ये क्या है? रिलेशन दिया हुआ है फॉर ऑल a कोमा b c कोमा d बिलोंग्स टू n क्रॉस n एंड देन सो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन n क्रॉस n। Also find the equivalence classes of 2, 6। तो equivalence relation के लिए सबसे पहले हमको reflexive check करना होगा, फिर symmetric check करना होगा और transitive। अगर ये तीनों satisfy करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो given relation है वो reflexive equivalence relation होगा। तो आइए पहले इसको हम लोग relation को लिखते हैं। R equal to हम लोग इस relation को ऐसा लिख सकते हैं कि a, b, c, d बिलोंग्स कर रहा R से, बिलोंग्स कर रहा R से, ठीक है, सच दैट AD इक्वल टू BC, ओके, फॉर ऑल A कोमा B, C कोमा D बिलोंग्स कर रहा है N क्रॉस N से, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम लोगों को रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा। तो आइए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए लेट हम लोग बोल रहे हैं कि लेट a कोमा b एनी आर्बिट्री एलिमेंट विच बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर। क्योंकि क्या दिया हुआ है, कोई ये जो ऑर्डर पेयर है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर का है। देन फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग को क्या दिखाना होता है? फॉर रिफ्लेक्सिव ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए क्या है? यहाँ ऑर्डर पेयर है ए बी। तो ए बी कोमा ए बी जो है बिलोंग्स करेगा आर से। तो इसके रिलेशन क्या डिफाइंड है? तो यहाँ पे देखिए कि ये ऑर्डर पेयर अगर दोनों सेम होगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, सी कोमा डी की जगह पर ए कोमा बी हमने लिख दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या रिलेशन वेरीफाई होगा? यहाँ पे देख रहे थे कि फर्स्ट और लास्ट को एड करना मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं कि बी और सी को मल्टीप्लाई है तो यहाँ बी को बी है ए बी इक्वल टू बी है। क्या ये ट्रू है? ए बी इक्वल टू बी ए होगा फॉर नेचुरल नंबर एन पे? तो बोलेंगे यस। कोई भी नेचुरल नंबर अगर हमने यहाँ पे दो लेगा और दोनों ए बी इक्वल टू अगर बी ए करेंगे तो ट्रू होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, दिस इज ट्रू। ओके, सो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद हम लोग को सिमेट्रिक चेक करना होगा। सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए लेट हम लोग ले रहे हैं कि लेट ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग्स कर रहा है एन क्रॉस एन से, सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। ए बी क्या है? रिलेटेड टू सी डी है। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए हम लोग को क्या दिखाना होता है? फॉर सिमेट्रिक के लिए हम लोग को दिखाना होता है कि अगर ए कोमा बी सी कोमा डी बिलोंग्स कर रहा आर से, देन हमको ये भी दिखाना होगा कि सी कोमा डी ए कोमा बी वी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। जैसे ए बी बिलोंग्स कर रहा आर से तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, उसी तरह से ये ऑर्डर पेयर भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर लेट ए कोमा बी सी कोमा डी बिलोंग्स कर रहा आर से, तो इस पे रिलेशन क्या डिफाइंड है? तो इस पे रिलेशन डिफाइंड है एडी इक्वल टू बी सी। ए कोमा बी सी कोमा डी अगर आर से बिलोंग करेगा तो एडी इक्वल टू क्या होगा? बी सी। तो एडी इक्वल टू क्या हो रहा है? बी सी। तो एडी इक्वल टू बी सी है। अगर इस रिलेशन के लिए ये हो रहा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो इसके लिए हमारा क्या होगा? अगर हम इसके लिए चेक करूंगा इस रिलेशन पे इसके लिए चेक करूंगा तो बोलूंगा कि सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे
सी बी इक्वल टू डी ए होना चाहिए। तो क्या ए डी इक्वल टू बी सी को हम लोग लिख सकते हैं सी बी इक्वल टू डी ए, सी बी इक्वल टू बी ए? यस, लिखा जा सकता है। बी सी या सी बी दोनों से होगा, बी सी बोलू या सी बी बोलू, या ए डी बोलू या डी ए। तो ए डी इक्वल टू बी सी या सी बी इक्वल टू डी ए दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहां भी हम लोग बोल सकते हैं कि बाय कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑन एन दिस इज ट्रू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, जब ये इसके बराबर होगा तो हम लोग इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी डी कोमा ए बी बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। तो यही तो हमारा सिमेट्रिक के लिए दिखाना था कि दिस इक्वल टू बिलोंग्स करेगा आर से, इंप्लाइज दैट ये भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा आर से, फॉर ऑल ए कोमा बी सी कोमा डी किससे बिलोंग कर रहा है, एन एन क्रॉस एन से, एन क्रॉस एन से। सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है, थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए लेट बोल रहा हूं कि ए कोमा बी सी कोमा डी एंड ई कोमा एफ बिलोंग्स कर रहा है एन क्रॉस एन से, देन क्या होगा सिमेट्रिक के लिए। अगर ए कोमा बी सी कोमा डी बिलोंग्स कर रहा आर से एंड सी कोमा डी सी कोमा डी ई कोमा एफ भी बिलोंग्स कर रहा आर से, इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, ए कोमा बी ई कोमा एफ भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, ए कोमा बी ई कोमा एफ भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो ये दिखाना है कि अगर ये बिलोंग्स कर रहा आर से, ये बिलोंग्स कर रहा आर से, तो ये भी बिलोंग्स करना चाहिए क्या है, आर से। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग सिंस बोल रहे हैं कि अगर ए कोमा बी सी कोमा डी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो इसके रिलेशन क्या डिफाइंड है, तो रिलेशन डिफाइंड है एडी इक्वल टू बी सी, एडी इक्वल टू बी सी, एडी इक्वल टू बी सी, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, C कोमा डी और E कोमा एफ ये बिलोंग्स कर रहा है अगर R से, तो इस पे क्या होगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई, सी एफ इक्वल टू डी। तो बताइए कि अगर ये रिलेशन है तो ये होना चाहिए, ये रिलेशन है तो ये होना चाहिए, तो ये रिलेशन के लिए हमको क्या लाना होगा, ये रिलेशन के लिए हमको लाना होगा ए एफ इक्वल टू बी। तो ए एफ इक्वल टू बी लाने के लिए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एफ और बी है तो यहां पे देख रहे हैं कि ए और एफ, ए बी ई एफ को जरूरत है, तो सी और डी का यूज नहीं है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको ले दू, ए को हम सी, ए को बी के नीचे ले ला रहा हूं और सी को मैं इसके नीचे ला रहा हूं, तो डी बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए, इसको इक्वेशन वन मान लेना। और यहां से मैं अगर बात करूं तो यहां सी को इसके नीचे ले रहा हूं और ई को इस एफ के नीचे लाऊंगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, एफ बाई इक्वल टू सी बाई डी, सॉरी डी बाई सी, क्योंकि सी को डी के नीचे ला रहे हैं, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख रहे डी बाई सी इक्वल टू बी बाई ए और एफ बाई इक्वल टू डी बाई सी है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से, From equation 1 and 2, we get what? D by C cancel out हो जाएगा, B by A equal to F by E, F by E। अब यहां से cross into करेंगे तो क्या हो जाएगा, cross into करेंगे तो हो जाएगा AF equal to BE। यही तो लाना था कि अगर ये relation दिखाने के लिए हमको ये चाहिए था और ये यहां पे आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये आ गया तो ये होगा। तो इंप्लाइज हम लोग बोलेंगे कि ए कोमा बी एंड ई कोमा एफ बिलोंग्स करेगा आर से, तो ये बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो ये भी बिलोंग्स अगर आर से किया, क्योंकि ये और ये बिलोंग कर रहा था, ये रिलेशन हो रहा था, तो यहां से हम लोग ये भी रिलेशन फाइंड कर लिया, तो ये भी आ गया। सो आर इज व्हाट,
ट्रांजिटिव. सो आर इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव तो यहां पे मैं देखा कि आर रिफ्लेक्सिव है, आर सिमेट्रिक है और आर ट्रांजिटिव है. सो हम लोग आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है. सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, देखिए यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. अब हम ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2.6. तो नाउ इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2.6. तो हम रिलेट हो रहे हैं कि ये 2.6 का जो इक्विवेलेंस क्लासेस हो रहा है ये है ए कोमा बी. ए कोमा बी सच है. क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन एंड रिलेशन क्या डिफाइन होगा. अगर ए ए कोमा बी है तो एक 2.6 का हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस सही, ये बिलोंग्स करेगा एन क्रॉस एन से. सच दैट क्या होगा, रिलेशन क्या डिफाइन है इससे, एडी इक्वल टू बीसी. फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b, ये b नहीं 6 है, ये 6 है तो क्या हो जाएगा 6a इक्वल टू 2b. 6a इक्वल टू 2b तो यहां से क्या हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब b इक्वल टू क्या हो रहा है 3a. b इक्वल टू 3a तो b इक्वल टू 3a के लिए क्या क्या रिलेशन आएगा और a और b कहां से बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से. तो अगर मैं a इक्वल टू, इफ a इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3. इफ a इक्वल टू अगर मैं 2 ले रहा हूं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा. इफ a इक्वल टू मैं 3 ले रहा हूं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो रहा है. तो अगर मैं यहां पे आप देख रहे हैं इसी तरह से अगर मैं a इक्वल टू अगर 4 लेता हूं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12. तो ये 3 का डिफरेंस है जा रहा है, 3 का डिफरेंस है. तो इसका हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.3. इसका हमारा ऑर्डर पेयर हो रहा है 2.6 और यहां पे हो रहा है 3.9, यहां पे हो रहा है 4.12 एंड इसी तरह से एन नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर. तो इस तरह से बहुत सारे ये ऑर्डर पेयर बनेंगे. तो दीज आर द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ व्हाट 2.6, ये इक्विवेलेंस क्लासेस है. ठीक है, इसी तरह से क्योंकि एन नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो बहुत सारे ऐसे ऑर्डर पेयर इक्विवेलेंस क्लासेस मिलेंगे 2.6 का. ओके okay?